हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस समय पे सरसों के तेल का बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम सरसों के तेल के बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा या हमें क्या नुकसान होगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इस समय सरसों के तेल के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, जिनकी कम होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो दोस्तों ये सही समय है सरसों के तेल का बिजनेस करने का। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें बिना मशीन की सहायता से हम सरसों के तेल को कैसे पैक कर सकते हैं ये बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सरसों के तेल में हमें क्या फायदा होगा अगर हम आज के समय में ये बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में जो सरसों का तेल है, जो मील का रेट है दोस्तों, वो 160 रुपए किलो है। दोस्तों आज की डेट में दोस्तों 160 रुपए किलो है, तो दोस्तों ये हमारा किलो में है। और दोस्तों पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो हमें मील से तेल आता है वो किलो में आता है, और जो हम बोतल के अंदर तेल देते हैं वो दोस्तों हम लीटर में देते हैं, और जो एक लीटर में होता है वो 910 ग्राम होता है। दोस्तों हम लेके आएंगे किलो में और बेचेंगे लीटर में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर हम जिस रेट में लेके आते, जैसे 160 रुपए में लेके आए किलो में और 160 रुपए लीटर ही बेच देते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। जैसे आप, मैं तो 160 बता रहा हूँ, मान लो कल को रेट बढ़ जाता है, आप 170 लेके आए तो 170 में लाके 170 रुपए किलो लाके 170 रुपए लीटर कैसे बेच सकते हैं, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा आपको। अब मैं समझा देता हूँ। दोस्तों आप 160 रुपए किलो लेके आए, आपने एक बोतल के अंदर 910 ग्राम पैक किया, एक लीटर की बोतल के अंदर, तो आपको तेल की कॉस्टिंग 145 रुपए 60 पैसे आई। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपकी एक लीटर की बोतल की कॉस्ट जो है वो दोस्तों 3 रुपए 25 पैसे आई। उसके बाद दोस्तों कैप जो सीलिंग वाली कैप होती है उसकी कॉस्ट दोस्तों 50 पैसे की आई, वो आपको अलग से लेनी होगी। इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 149 रुपए 35 पैसे हो गया। दोस्तों इसमें अगर हम स्टिकर की कॉस्ट जोड़ते हैं तो दोस्तों 1 रुपए अगर स्टिकर की कॉस्ट मान के चलते हैं तो दोस्तों ये 150 रुपए 35 पैसे हो गया। इसके बाद दोस्तों लेबर 65 पैसे हो गई, 65 पैसे हम लेबर मान के चलते हैं। अगर दोस्तों अगर हम खुद पैक करेंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट नहीं लगेगी, फिर भी हम लेबर कॉस्ट लगा के चलते हैं, तो ये दोस्तों 151 रुपए हो गया। 151 रुपए लीटर हमें तेल की हमारी कॉस्ट आई, जो हम घर पे उसे रेडी करेंगे पैक करेंगे 151 रुपए लीटर। ठीक है दोस्तों, अब आप फंडा समझिए, एक बॉक्स के अंदर, पेटी के अंदर 12 बोतल होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मान लो एक बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए ही मान लीजिए आप। दोस्तों एक बॉक्स की कॉस्ट आप 12 रुपए मान लीजिए, तो एक बोतल पे 1 रुपए की कॉस्ट पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो 151 रुपए प्लस 1 रुपए 152 रुपए लीटर हो गया। तो दोस्तों पेटी के साथ हमें 152 रुपए लीटर उसकी कॉस्ट आई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 160 रुपए किलो हम लेके आए, 152 रुपए लीटर हमने बेच दिया, तो दोस्तों 8 रुपए हमारा मार्जिन हो गया। अब दोस्तों उस 8 रुपए मार्जिन को हम 12 से गुना करते हैं, एक पेटी में 12 बोतल होती है तो 96 रुपए हो गए दोस्तों। अब हमें एक जो बॉक्स है उस पे जो मार्जिन आया दोस्तों वो 96 रुपए आया। दोस्तों एक बॉक्स पे 96 रुपए का मार्जिन बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है। 96 रुपए का मार्जिन बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आज के समय में दोस्तों अगर आप सरसों के तेल का बिजनेस करते हो तो आप बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा लोगे। दोस्तों इस समय सरसों के तेल का बिजनेस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ये दोस्तों सारा तरीका है, इस तरीके से आप अपना मार्जिन निकाल सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप 170 रुपए लाओ, 180 लाओ, 150 लाओ, जितना भी लाओ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, आप इस तरीके से मार्जिन निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों, आप इस समय सरसों के तेल का बिजनेस करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।